हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळकर है। मैं मनोविकार, सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। हमारे यहाँ दो हॉस्पिटल है। एक हॉस्पिटल जहाँ मनोरोगों तथा व्यसनी लोगों को रिश्तेदारों के साथ में भर्ती करते हैं, और एक दूसरा हॉस्पिटल है जहाँ बिना रिश्तेदार हम लोगों को भर्ती करते हैं। मैं बताने वाला हूँ कि काफ़ी लोग मेरे पास में आते हैं, बोले हमको गुस्सा बहुत आता है, क्रोध आता है, और गुस्सा कंट्रोल में नहीं होता। एकदम कुछ हो गया तो फटाक से मैं रिएक्ट करता हूँ, एकदम जोर से रिएक्ट करता हूँ, लोगों को कुछ उल्टा पुल्टा बोल देता हूँ, और फिर मुझे पश्चाताप हो जाता है कि मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर मैं कभी कभी लोगों की माफ़ी मांगता हूँ, कभी नहीं मांगता हूँ। फिर गुस्सा कैसे कंट्रोल करना है, सभी का प्रॉब्लम है। सभी लोग बोलते हैं कि नहीं, हमको गुस्सा आता है, ऐसा कोई व्यक्ति मुझे दिखाई देता नहीं कि गुस्सा आता नहीं है, ऐसा नहीं है, सबको आता ही है। फिर कंट्रोल कैसे करना, उसके लिए आपको एक कहानी बताता हूँ मैं, आपको समझ में आएगा। एक बच्चा था, उसको काफ़ी गुस्सा आता था, और उसके पिताजी उसको बार बार बोलते थे कि भाई गुस्सा नहीं करना, गुस्सा करना अच्छा नहीं, गुस्सा करने से अपने संबंध खराब हो जाते हैं, ऐसा वैसा उसको बोलते थे, उसको समझ में नहीं आता था। फिर उसने उसको बोला, उसके पिताजी ने, कि भाई तू ऐसा कर, ये जो नेल्स है खील, उसका भरा हुआ एक पूरा बोरा था, उसको बोरा दे दिया, बोला इसमें खिले हैं, नेल्स है, और ये जो खिले है, जो नेल्स है, ये जिस दिन गुस्सा आएगा और जितने बार आएगा उतने खिले, ये जो लकड़ी की जो दीवार है उसके ऊपर तूने ठोकते जाना। एक बार गुस्सा आया तो एक खिला ठोकना, दूसरे बार गुस्सा आया दूसरा खिला ठोकना, और ऐसे करते जा। उसको ऐसा बोल के उसको काम को लगा दिया। बोले तेरे को गुस्सा कंट्रोल करना है, मैं सिखाता हूँ क्या करना चाहिए। तो बोले ठीक है, मैं करता हूँ। उसने फिर वो जैसा गुस्सा आने लगा, उसने एक खिला ठोका, ऐसा पहले दिन उसने 20 खिले ठोकने का काम उसको पड़ा। फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, ऐसे फिर कम 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 होते गए। एक महीना ऐसा आ गया कि एक महीने बाद में एक दिन, कि जिस दिन उसको एक बार भी गुस्सा आया नहीं और एक बार भी खिला ठोकने का उसको काम पड़ा नहीं। फिर पिताजी के पास में गया, बोले कि मुझे आज गुस्सा ही आया नहीं और आज मैंने एक भी खिला दीवार में ठोका नहीं। पिताजी वहाँ जाके देख लिया, उसको शाबाशी दिया, बहुत अच्छा, वेरी गुड, कि भाई आपको गुस्सा नहीं आया, वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने किया। तो अभी और देखो, वॉच करो, बोले और कितने दिन ऐसा होता है। कुछ दिन वॉच करने के बाद में भी वो बोले, देखो आज मेरा, मतलब इतने दिन हो गए अभी मैंने गुस्सा किया ही नहीं है और मेरा गुस्सा एकदम कंट्रोल में हो गया। तो उसको शाबाशी दिया। फिर उसको बोले कि ठीक है, अभी ऐसा कर, जिस दिन गुस्सा आएगा नहीं उस दिन वो जो खिला है वो निकाल देना एक, फिर जिस दिन गुस्सा आएगा नहीं दूसरा खिला निकालना, फिर जिस दिन गुस्सा आया नहीं तीसरा खिला निकालने का, ऐसा तू कर दे जा। फिर उसने वैसा करना चालू किया। धीरे 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 ऐसा हो गया कि वो दीवार के पूरे खिले उसने निकाल दिए। जब उसने पूरे खिले निकाल दिए तो उसने उसके पिताजी को जाके बोला कि मैंने पूरे खिले निकाल दिए। तो जाके देखा, पूरे खिले निकल गए थे, मगर उसने, पिताजी ने उसको बोला कि देख तूने पूरे खिले तो निकाल दिए, मगर दीवार पहले जैसी नहीं बनी। दीवार में जो छेद है या दीवार जो खराब हो चुकी है अभी खिले निकालने के बाद में, वो तो खराब तो हुई है। पिताजी ने उसको बोला, गुस्से का वैसे ही है, आप किसी के ऊपर गुस्सा करते हो, उसको नहीं नहीं वो बोलते रहते हो, चिल्लाते रहते हो, बाद में आपको अच्छा लगता नहीं, आप पश्चाताप भी करते हो, मगर आपने जो शब्दों का उसको मार दिया, उसके दिल को जो घाव लग गए वो तो ठीक नहीं होते, आपके संबंध तो खराब हो जाते हैं। तो उसको वो बात तो जच गई। आप बोलते हैं कि देखो गुस्सा हमको आता है, मैं बोलता हूँ गुस्सा आता नहीं है, गुस्सा आप लाते हो। बोलते नहीं नहीं गुस्सा तो हमें एकदम फटाक से आ जाता है, एकदम हम रिएक्ट कर डालते हैं, है ना, नहीं बाद में फिर बहुत अच्छा लगता नहीं, वो तो मन के खिलाफ हो जाता है, मेरे को लगता नहीं किसी के ऊपर गुस्सा करना करके, मगर आ जाता है। मैं बोलता ऐसा नहीं है, देखो आप आपके ऑफिस में हो, आपके बॉस ने आपको नहीं नहीं जो बोलना चाहिए था वो बोल दिया, उसने गुस्सा कर दिया, आपको मन में बहुत बुरा लग रहा है, आपको लग रहा है कि मेरा तो सब कुछ ठीक है, मैंने तो अच्छा काम किया, तभी भी वो फालतू मेरे मुझे मतलब चिल्ला रहा है, फालतू मेरे ऊपर चिल्ला के मुझे नहीं नहीं बोल रहा है, आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, मगर आप बाहर गुस्सा बताते नहीं हो, क्योंकि आपको मालूम है कि यदि मैंने अभी गुस्सा किया बॉस के ऊपर तो इसका बहुत बुरा असर हो जाएगा, मेरे संबंध खराब हो जाएंगे, मेरा इंक्रीमेंट बंद किया जाएगा, या मेरे को ट्रांसफ़र की जाएगी, या बॉस मुझे नौकरी से निकाल देगा, मतलब जो भी कुछ है, आपको कितना भी गुस्सा आ रहा होगा मगर बॉस के ऊपर आप गुस्सा करते नहीं हो, वहाँ तो कंट्रोल कर लेते। अब देखो उल्टी घर में जाते हो, घर में पत्नी के ऊपर गुस्सा करेंगे या पति के ऊपर गुस्सा करेंगे, बच्चों के ऊपर गुस्सा करेंगे, अपने से जो छोटा है, छोटा मतलब अधिकार में,
उसके ऊपर आप गुस्सा कर लेंगे, या जो आपकी सुनता है उसके ऊपर आप गुस्सा कर लेंगे। हो सकता है कि माँ आपकी सुन ली तो माँ के ऊपर गुस्सा कर लेंगे, पिताजी सुनते हो तो पिताजी के ऊपर गुस्सा कर लेंगे। जो आपकी सुन लेता है, जो आपको उल्टा जवाब देगा नहीं, या आपको जो डोमिनेट नहीं करेगा, प्रभाव नहीं डालेगा, उसके ऊपर आप गुस्सा कर लेते हो। देखो आप घर में रहते हो, संबंध अच्छे रहते हैं एक दूसरे के, बहुत अच्छे प्यार करते हो, मगर जो हमको सुनते हैं उनको हम सुना देते हैं, उनके ऊपर गुस्सा करते हैं, तो देखो कितना अच्छा है, उनको भी कितना मतलब बुरा लगता होगा कि भाई देखो बाहर से गर्म दिमाग करके आए, हमारे ऊपर घर में आके गुस्सा कर दिए। तो आज से पक्का निर्णय कर लो कि गुस्सा जो है वो मेरे काबू में है, मैं गुस्सा करता हूँ, गुस्सा आता आप ही आप ऐसा नहीं है, मैं गुस्सा करता हूँ। तो आज ये निर्णय ले लो कि मैं गुस्सा करूँगा नहीं, और जब भी कभी गुस्सा आ रहा है तब दिमाग में वो लाओ कि देखो मेरे यहाँ संबंध खराब होने वाले हैं, जो घाव होंगे वो सामने वाले मन को, वो कभी ना भर के निकलने वाले घाव है, अभी मैं यहाँ गुस्सा करूँगा नहीं, यहाँ मैं मेरे गुस्से को कंट्रोल करूँगा। जैसा बॉस के सामने कंट्रोल करते हो, वैसे ही लोगों के सामने हमने वो गुस्सा, हमारे घर के लोगों के सामने हमने वो गुस्सा कंट्रोल में रखना चाहिए। यदि आप करेंगे तो आपकी तबीयत अच्छी हो जाएगी। गुस्सा करने से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है और बाकी बदन की बीमारियाँ, शारीरिक बीमारियाँ बहुत ज़्यादा होती है गुस्से वाले लोगों को, ब्लड प्रेशर तो बहुत ज़्यादा रहता है। तो आपकी तबीयत भी अच्छी रहेंगी, दिमाग भी शांत रहेगा, कि गुस्सा होने के बाद में हमारी उत्पादन क्षमता कम हो जाती है, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, हम आधा घंटा एक घंटा दो घंटे काम के नहीं रहते, दिमाग ख़राब हो जाता है। तो इसलिए आज से निर्णय ले लो कि मैं गुस्सा करूँगा नहीं, जब भी कभी गुस्सा आ रहा है तब मैंने ये देखना है कि ये मैं उसके ऊपर गुस्सा करूँगा तो उसके मन के ऊपर घाव डाल रहा हूँ जो कभी भी भर के आने वाले नहीं हैं, उसको दुखी कर रहा हूँ, ये मन में लाओ और वहाँ गुस्सा खुद का कंट्रोल कर लो। सो काफ़ी आपके संबंध में ऐसे लोग होंगे कि जो गुस्सा करते होंगे, आपको अच्छा लगा तो आप भी लोगों को ये शेयर करो, लोगों को पास ऑन करो, व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, फेसबुक के ग्रुप के ऊपर शेयर करो। आपको अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करने के बाद में घंटी का चिन्ह आता है, चित्र आता है, वो चित्र के ऊपर आप क्लिक करो ताकि मेरे जो वीडियो है वो सबसे पहले आपको आ जाएंगे। आपको जो भी कुछ अच्छे वीडियो लगते हैं कि भाई मैंने ये टॉपिक की वीडियो बनाना चाहिए तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालो, मैं उसके वो मतलब वो टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाते जाऊँगा। सो हमारा जो मिशन है वो है सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत, आपका उसमें हाथ लग जाएगा। क्योंकि एक अच्छा भारत देश, हमारा देश ऐसा है कि जहाँ लोग बहुत ही प्रभावशाली अपना जीवन जिएंगे और सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य यहाँ रहेगा, ऐसा हमारा मिशन, उसमें आपका हाथ जरूर लगेगा। थैंक यू वेरी मच।